गांव में झोपड़ी में रहने वाले भोले भाले हितग्राहियों से शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे हड़प लिए जाते हैं और उन्हें पैसे लेने के बाद भी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता है। ऐसा एक मामला जनपद पंचायत कन्नौत की ग्राम पंचायत कोठड़ी के ग्राम भिल्दी का सामने आया है, जहाँ के हितग्राही गंगा विशन पिता राजा राम लोवंशी ने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व मुझे आवास योजना के नाम पर ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक गंगा विशन लोवंशी ने 5,000 रुपए लेकर कहा था कि आपको आवास योजना का लाभ तत्काल दिला दूंगा, लेकिन एक वर्ष बीतने को आया, मुझे आज तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इस संबंध में मैंने जिला कलेक्टर देवास को 2 बार 20 सितंबर 2022 तथा 27 दिसंबर 2022 को जनसुनवाई में आवेदन भी दिया, लेकिन आज तक वहां से भी निराकरण नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत की गई, लेकिन जनपद स्तर से बिना निराकरण हुए ही मेरी शिकायत को बंद करवा दिया गया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मोहित लोवंशी। क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या है कोठी की। आपको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला भैया? नहीं, मंत्री सरपंच दे ही नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहे? 5,000 रिश्वत ले ली मंत्री से। 5,000 आपने रिश्वत दे दिए? किसको दिए? वो सहायक सचिव दिए। सहायक सचिव, क्या नाम है उसका? गंगा विशन लोवंशी। अच्छा, रिश्वत देने के बाद में क्या बोल रहे हैं अब? वो दे देंगे, अब लिस्ट में नाम आ गया, दे देंगे। अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिटा है? नहीं मिला है ना। हाँ, तो आपने इसकी शिकायत कहीं दी है? हाँ दी। नहीं, कहाँ कहाँ दी है? जनपद दी है और एसडीएम को दी है, कन्नौज कलेक्टर साहब को दी है जी। 181 शिकायत भी कर रही है, पर अभी तक निराकरण नहीं हो रहा उसका। अच्छा है ना, उसका कोई निराकरण अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ। चलो ठीक है, आप सरकार से कुछ अनुरोध करना चाहते हो? जी। क्या करना चाहते हो? ये कोठी के लिए। कोठी के लिए? हाँ। और घर की हालत देख लो, है ना। हाँ। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।